गोपाल कांडा के जाकर के और उसका समर्थन मांगना, गोपाल कांडा जी के सामने गिड़गिड़ाना, तो ये दर्शाता है कि अभी सिंह जी की अब राजनीतिक हैसियत क्या रह गई। मेरा अपना बेटा है अभय, उसका कांडा के घर के चल के जाना भी कोई लोगों को राजनीतिक तौर पे अच्छा नहीं लगा। चौधरीलाल की बहुत बड़ा रोल है, चौधरीलाल के यहाँ तो NTR हेगड़े और चंद्रशेखर वो चल के आया करते थे, मुलायम सिंह लालू चल के आया करते थे। आज जो देवीलाल की विरासत या उनका कोई बेटा कहीं चल के जाए वो देखना चाहिए, जो देवीलाल की फोटो वो हरी पगड़ी को देख के जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया है। जो पार्टी हुंकार भर रही थी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का, वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 7 सीटें फाइल नहीं कर पाई कैंडिडेट। सब खुले तौर पे समर्थन आज कर दिया है, वर्करों को बुला करके निर्देश भी दे दिए, क्या कुछ लगता है क्या करना चाहिए? देखिए वर्कर बड़ा सियाणा हमारा इकट्ठा होने का, जैसे सूर्य प्रकाश पहले दिन वहाँ गया और दिग्विजय मेरी नॉमिनेशन पे गया, उसी दिन से क्लियर हो गया। लोग समझते हैं बहुत वर्कर हमसे ज़्यादा आगे हैं, पर कई बार एक फिजिकली भी वो प्रदर्शन करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज बुला लिए थे कुछ 400-500 वर्कर, रानिया के भी आए, डबवाड़ी के भी आए। यहाँ रानियावाड़े इकट्ठे हो गए थे, वहाँ डबवाड़ी वाड़े इकट्ठे हो गए थे, वहाँ रानियावाड़े थे, यहाँ डबवाड़ी वाड़े थे। तो सब जगह जो हम इकट्ठे बैठ गए और खुल के आपके सामने ही बातें कही, वर्कर को खुला खुला मैसेज, वर्कर मन से चाहता था कि परिवार इकट्ठा हो जाए। आज परिवार इकट्ठा हो गया तो मैं समझता हूँ कि डबवाली और रानिया दोनों हल्कों की तो तस्वीर ही आज बदल गई। कितना आप हुआ है आज इलेक्शन आप देख रहे हैं? 2-3 दिन देखिए वर्कर आपका मीडिया बहुत एनालाइज करता है, सब गाँव की पूरी चौधर इकट्ठी हुई थी यहाँ। और मेरा अपना ये मानना है कि पिछली बार जब यहाँ से जो JJP का उम्मीदवार जो लड़ा था, हालांकि मेरा इलेक्शन एक तरफ था, तब भी उसे 9,000 वोट आए थे। और जब हम राजा दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो 15,000 तो क्रॉस करे ही करेगा। और इतना ही जब मैं वहाँ गया हूँ तो मेरे जाने का भी जो मैसेज गया है वो बहुत ज़बरदस्त गया है। हम दोनों इकट्ठे दिखे तो दोनों हल्कों में, ये मान के चले मैं कह दूँ 50,000 तो बात, तो मीडिया से कोई कच्ची बात ना कहना, मैं जिम्मेदारी की बात करा करता हूँ। मेरा अपना अंदाजा है कि 10,000 से 15,000 तक इधर भी फायदा हुआ है, उधर भी हुआ है, इसका अब बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अब इलेक्शन ही दोनों उठे हैं। चलो साहब, एक परिवार उधर भी इकट्ठा हुआ है, भाजपा में आदित्य थे वो इनेलो में आ चुके हैं, तो उसको लेकर के क्या बोलते? देखिए मैं परिवार की बात के डिफाइन करता हूँ। चौधरीलाल के आज जो एक्टिव हैं उसमें हम दो बेटे पॉलिटिकली एक्टिव थे, बड़े मेरे भाई जो ओम प्रकाश जी हैं आदरणीय हैं, वो मेरे बड़े भाई थे, उनसे छोटा मैं था। कभी उन्हें जो साहब ने आगे करा, कभी मुझे आगे करा, हम दो थे, दोनों में ही अलग डिवीज़न हुआ था मैम के मामले पे। और उसके बाद आज उनका जो बड़ा बेटा है ओम प्रकाश जी का अजय, वो आज आ गया, तो समझो कि ओम प्रकाश जी का बड़ा परिवार आज हम इकट्ठे हो गए। चौधरीलाल के हम दो बेटे, जब हम इकट्ठे हो गए तो बाकी तो फिर आगे पोते तीसरी चौथी पीढ़ी है, उनका चर्चा नहीं, तब बात तो बेटों की होती, हम बेटों में दोनों में आज ये एकता काफ़ी बड़ी होगी। कांडा को समर्थन किया इनेलो ने? देखिए मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना बेटा है अभय, उसका कांडा के घर के चल के जाना भी कोई लोगों को राजनीतिक तौर पे अच्छा नहीं लगा। चौधरीलाल की बहुत बड़ा रोल है, चौधरीलाल के यहाँ तो NTR हेगड़े और चंद्रशेखर वो चल के आया करते थे, मुलायम सिंह लालू चल के आया करते थे। आज जो देवीलाल की विरासत या उनका कोई बेटा कहीं चल के जाए वो देखना चाहिए, जो देवीलाल की फ़ोटो वो हरी पगड़ी को देख के जाना चाहिए। जिसे BJP ने भी बाहर कर दिया, टिकट नहीं दी, एक मांग रहा था, हाथ जोड़ रहा था, टिकट नहीं दी, उसके दरवाजे पे जाना एक सुंदर सी बात नहीं, क्योंकि पीछे जो देवीलाल का रिश्ता जुड़ा हुआ है कि उनका पोता है। रानिया में चुनाव आपका कैसे चल रहा है आज JJP? देखिए रानिया बहुत ज़बरदस्त है, मेरे पे जैसी टीम है कहीं है ही नहीं, वर्करों ने गोलियाँ, उस दिन आपने देखा हज़ारों तादाद में तो व्हीकल थे, जब 15,000 आदमी साथ चल रहे तो कोई इलेक्शन में तो कहीं कमी है नहीं। और डबवाली भी ऐसा है, देखो डबवाली हमेशा से जो देवीलाल का अपना हल्का रहा है, वहाँ से ओम प्रकाश जी बने, मैं बने, क्यों करा रही हूँ, आधा पार्ट है। और फिर दो बार नैना वहाँ से हमारी पुत्र वधू है वो बनी, अजय बना, अब दिग्विजय बन रहे हैं,
वो तो हमारा अपना घर है, उसमें तो फिर दिग्विजय मैं समझता हूँ हमारे मार्जिन तोड़ के भी बड़े मार्जिन से जीतेगा। तो सबको ज्वाइंट बड़ी रैली होगी आपकी और दिग्विजय की? हाँ कर लेंगे वो, कोई हमने ऐसा करा है कि आपस में जब भी वर्कर्स दो तय कर लेंगे। ये एक मतलब दोबारा इस बात को और मजबूत करने के लिए कोई वो करें इकट्ठा फंक्शन कोई कर दें कर लेंगे, वो वर्कर की इच्छा की बात है। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला में आपके वर्कर आए हैं, एक हमारे परिवार के लिए ऐतिहासिक पल है। चौधरी बिलाल का परिवार पुणे इकट्ठा हुआ है, ये फैसला जैसे चौधरी साहब कह रहे थे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर समय को कुछ और मंजूर था। आज भी परिवार एकजुट हुआ है, इससे बहुत ताकत मिलेगी। दोनों सीटें हम बड़े जन समर्थन से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वर्कर में एक अलग तरह का हौसला है, आज वर्कर की आंखों की चमक ये बता रही है कि परिवार के एकजुटता की खुशी और सब ने जो मुँह मीठा किया है ये दर्शा रहा है कि ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है दवाली में भी रानिया के अंदर भी, और ये दोनों जुड़े हुए क्षेत्र हैं। वो जब आप टेलीविज़न पर टैली चलाओगे तो चोई रणजीत सिंह और दिग्विजय चौटाला जो है दादा पोता ऐतिहासिक बहुमत से जीत कर गए। एक गठबंधन कल हुआ है गोपालकांडा और अभय सिंह का, क्या रिएक्शन है आपका? भाई ऐसा लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया है। जो पार्टी हुंकार भर रही थी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का, वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 7 सीटें फाइल नहीं कर पाई कैंडिडेट, कितनी कमज़ोर बात है इंडियन नेशनल लोकदल। और उसके बावजूद गोपाल कांडा के जाकर के और उसका समर्थन मांगना, गोपाल कांडा जी के सामने गिड़गिड़ाना, तो ये दर्शाता है कि अभय सिंह जी की अब राजनीतिक हैसियत क्या रह गई। कांग्रेस बीजेपी की ओवरऑल स्थिति क्या देखते हैं? अभी तो जनता ने तय करना है, जनता जो तय करेगी वो किसी से छुपा नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि आज कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में समर्थ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भानु, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में जो टिकटें देरी से दी गई उसकी वजह है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भान, उनके परिवार का इतिहास पता है क्या? वो इसलिए दी कि आया राम गया राम ना हो जाए।